नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश चौधरी। मैं दिखाता हूँ आपको आई टेस्ट कर कैसे की जाती है। तो मैं आई टेस्ट करता हूँ, तो राइट आई में नो टारगेट आ रहा था, दो तीन बार ट्राई कर लिया। लेफ्ट आई में देखा तो इसमें हाई पावर आ रही थी। हाई पावर जब दो तीन बार करके देखा तो -5 स्फेरिकल 3 सिलेंडर करीब आ रहा था। तो मैं समझ गया था इसमें भी कैटरेक्ट है। दोनों में कैटरेक्ट करके देखा, फिर मैं उसके बाद रेटिनोस्कोपी करके देखता हूँ। रेटिनोस्कोपी से देखा राइट आई में तो बहुत ज़्यादा कैटरेक्ट था, मेच्योर था, और लेफ्ट आई में थोड़ा कम था। जो काम चला रही थी वो उनकी लेफ्ट आई से ही दिखाई दे रहा था, जितना भी दिखाई दे रहा था। तो मैंने पूछा फिर उनसे, उनकी भी राय ली कौन सी आँख से ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है, तो उन्होंने भी वही आँख बताई। फिर उसके बाद मैं विजन चेक करता हूँ, तो काउंटिंग फिंगर था इसमें, CF काउंटिंग फिंगर, लगभग 2 मीटर करीब विजन था। जितना भी काम चला रही थी इनकी लेफ्ट वाली आई चला रही थी। फिर मैं लेफ्ट वाली इसमें भी राइट आई में लगा के देखता हूँ, लेकिन उसमें कोई पावर नहीं थी। लेफ्ट आई का मैंने पावर चेक करा, लेंस लगा देखा था, तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैंने बात टेस्टिंग करते करते पूछा आपकी शुगर कितनी है, शुगर सुन के तो मैं तो डर गया, 350 शुगर पर थी। मैंने कहा इतने में तो ऑपरेशन भी नहीं होगा 350 शुगर पर, और ये आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला मैं इलाज तो चल रहा है, जब भी कंट्रोल हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। मैंने कहा सर्जरी जब भी हो पाएगी, जब आपका कंट्रोल में होगा तो हम विजन चेक करते हैं। लेफ्ट आई का भी विजन इम्प्रूव नहीं हो रहा था लेंस लगाने के बाद में, और उसके बाद में मैंने बताया था उन्हें सर्जरी के बारे में, तो हाई शुगर होने की वजह से नहीं हो पा रही है। हमारा पूरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।